कन्या राशि, वर्ष 2024 के किस महीने में आपको संतान की प्राप्ति होगी? किस महीने में गर्भ धारण करने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे योग आपके लिए नजर आ रहे हैं? इसी विषय पर हम आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। कन्या राशि वाली महिलाएं, आपकी जो राशि होती है राशि चक्र के छठवें नंबर की राशि होती है और राशि का स्वामी होता है बुध ग्रह, और बुध ग्रह के गोचर और वर्ष 2024 के गोचर के अनुसार आपको 2024 में संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही अच्छे और पावरफुल योग नजर आ रहे हैं। लेकिन यह योग किस महीने में बनेंगे वह ग्रह गोचर की स्थिति के अनुसार मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको एक उपाय भी बताऊंगा जिसे आप वीडियो देखने के बाद तुरंत ही करना चालू कर दीजिए। इससे आपको संतान का सुख प्राप्त हो जाएगा और आपके घर में खुशियां आ जाएंगी। बहुत लंबे समय से आप संतान के लिए परेशान हैं, संतान नहीं हो रही है, डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं या फिर अन्य कोई और भी कारण है जिसके कारण संतान नहीं हो रही है, लेकिन वर्ष 2024 के कुछ महत्वपूर्ण महीने हैं जिनमें आपको गर्भ धारण करने के लिए योग बन रहा है। आपके ग्रह गोचर और राशि के अनुसार, ग्रहों की स्थिति के अनुसार आपको जुलाई, सितंबर और नवंबर के महीने में 2024 में गर्भ धारण करने का बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। इस समय अगर आप विधिवत तरीके से गर्भाधान करेंगे तो उस गर्भाधान से निश्चित रूप से आपको संतान का लाभ प्राप्त हो जाएगा, आपके घर में खुशियां आ जाएंगी और आपको संतान की कमी कभी महसूस नहीं होगी। लेकिन इसी के साथ साथ एक विशेष बात मैं आपको यह बताना चाहता हूं, अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रह की स्थिति अगर विपरीत है या संतान से संबंधित कोई बहुत परेशानी है, अशुभ योग है, संतान प्राप्ति में विलंब का योग है, यह पंचम स्थान का स्वामी बहुत ज्यादा पीड़ित है, बुरे प्रभाव में है, जो आपको संतान का सुख नहीं देना चाहता है, तो इसके लिए आपको एक बार अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन जरूर करा लेना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई योग नहीं है और विलंब हो रहा है संतान में, मेडिकल रिपोर्ट सारी नॉर्मल है, तो वर्ष 2024 में जो महीने मैंने आपको बताए हैं उनमें आपको गर्भ धारण होकर ही रहेगा। बात करते हैं उपाय के विषय में कि किस उपाय को करने से आपको शीघ्र संतान का लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो उपाय को बहुत ध्यान से सुन लीजिए। आप नित्य प्रति प्रातःकाल स्नान करके भगवान शिव के मंदिर में आपको जाना है और मंदिर में जाने के बाद एक शुद्ध घी का दीपक भगवान भोलेनाथ के सामने जलाना है और दीपक जलाने के बाद 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको जप करना है और श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान से संतान देने के लिए प्रार्थना करना है। अगर आप इस उपाय को विधिवत तरीके से करेंगे तो 100% आपको संतान का लाभ प्राप्त हो जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि ग्रह और योग आपके लिए अनुकूल नजर आ रहे हैं। लेकिन इसमें आपको विशेष एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो उपाय मैंने आपको बताया है वह नियम और विश्वास के साथ आप लगातार करते रहें। नियम नहीं टूटना चाहिए, अगर नियम टूटेगा तो इसके फल प्राप्त होने में आपको कठिनाई आ सकती है। हाँ, कुछ ऐसे समय रहे मासिक चक्र के समय अगर आप नहीं लगा पा रहे हैं दीपक, तो अपने घर के किसी सदस्य के द्वारा भगवान के मंदिर में दीपक जरूर जलवाएं, क्योंकि दीपक का क्रम खंडित नहीं होना चाहिए। इससे आपके इस उपाय के क्रम मैं आपको सहायता मिलेगी और उपाय अगर आप पूरा करेंगे तो निश्चित रूप से आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। उसी के साथ साथ एक बात आपको विशेष ध्यान रखनी है, अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रह योग अच्छे नहीं है तो उन ग्रह योगों के विषय में जानने के लिए और संतान प्राप्ति के योग को विशेष रूप से जानने के लिए या फिर पुत्र या पुत्री संतान योग के विषय में जानने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, जिससे हम आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करके आपको इस विषय में पूरी जानकारी प्रदान करेंगे। कब आपको संतान का योग है, लड़का है या लड़की है और संतान आपकी कैसी रहेगी, ये सारी बातें हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए। मैं बाबा महाकाल से प्रार्थना करूंगा कि बाबा महाकाल शीघ्र आपके जीवन में खुशियां दें, आपको संतान का लाभ प्राप्त हो, आपके घर में भी खुशियां आए, आपके घर में संतान का जन्म हो। अगर आपको पहले पुत्री संतान है तो पुत्र संतान का जन्म हो और आपको संतान नहीं है तो पुत्र या पुत्री दोनों ही बराबर है, किसी भी प्रकार की संतान का लाभ हो जाए, ऐसी मैं भगवान महाकाल से कामना करता हूँ। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे एक नई राशि के साथ, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।